वेलकम टू माई चैनल राजकुमार सिंह इंग्लिश स्टार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट माई अपकमिंग वीडियोज। इस वीडियो में हम लोग फॉरगेटिंग के पार्ट टू के बारे में जानेंगे। पार्ट वन का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज ऑकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। लेखक कहता कि आई सपोज, मैं मानता हूँ, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो फॉरगेटफुलनेस मतलब जो विस्मरण का सबसे कॉमन फॉर्म साधारण रूप है, ऑकर्स मतलब घटित होता है इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स मतलब पत्र को पत्र पेटिका में डालते समय। आगे कहता है कि सो कॉमन इज इट दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट लेटर। सो कॉमन इज इट, यह इतनी साधारण बात है कि आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट, मैं हमेशा अनिच्छुक रहता हूँ टू ट्रस्ट मतलब विश्वास करने पर ए डिपार्टिंग विजिटर, एक जाते हुए व्यक्ति पर या एक आगंतुक पर, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, जो एक महत्वपूर्ण पत्र को पोस्ट करने के लिए जाता है। सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, उसके याददाश्त पर मैं इतना कम, रिलाई ऑन मतलब विश्वास करता हूं, दैट आई पुट ही मान हिज ओथ, कि मैं उससे शपथ ले लेता हूं, बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसे पत्र थमाने से पहले या उसे पत्र देने से पहले, एज फॉर माई सेल्फ, जैसा मेरे बारे में है, एनी वन हु आस्क मी टू पोस्ट लेटर, एनी वन कोई भी जो मुझे एक पत्र को पोस्ट करने के लिए देता है, इज ए पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, वह चरित्र का बहुत ही, पुअर मतलब खराब, जज मतलब निर्णायक, वह चरित्र का बहुत ही खराब निर्णायक है। Even if I carry the letter in my hand, यहाँ तक कि मैं अपने हाथ में पत्र को carry मतलब लेकर जाते हुए, I am always past, मैं हमेशा past मतलब गुजर जाता हूँ, the first pillar box, पहले वाले pillar box मतलब पत्र पेटिका के आगे निकल जाता हूँ, before उसके बाद में I remember, मुझे याद आता है, that कि I ought to have posted it, मुझे इस पत्र को पत्र पेटिका में डालना चाहिए, यानी कि जब मुझे यह याद आता है कि मुझे इस पत्र को पत्र पेटिका में डालना चाहिए, उसके पहले ही मैं उस पत्र पेटिका के आगे निकल जाता हूँ। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, अपने हाथ में इसको पकड़े हुए जब मैं, वेरी मतलब थक जाता हूँ, आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी, मैं सुरक्षा की दृष्टि से इसको पुट मतलब रख लेता हूँ, इनटू वन ऑफ माय पॉकेट्स, अपने किसी एक जेब में, एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में ऑल अबाउट बिल्कुल भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, इट हैज एन अनएडवेंचरस लाइफ, मतलब यह एक सुरक्षित जीवन जीता है, टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। लेखक कह रहा है कि इसके बाद यह तब तक मेरी जेब में सुरक्षित पड़ा होता है जब तक कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियों की श्रृंखला लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, मुझसे एम्बैरेसिंग मतलब कष्टदायक प्रश्न पूछते हैं, बीइंग आस्क्ड मतलब पूछे जाते हैं। यह पत्र तब तक मेरी जेब में सुरक्षित रहता है जब तक कि मुझसे कष्टदायक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माय गिल्ट फ्रॉम माय पॉकेट। करा है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ टू प्रोड्यूस मतलब निकालने के लिए, द एविडेंस मतलब साक्ष्य को, ऑफ माय गिल्ट अपने अपराध के, फ्रॉम माय पॉकेट अपने जेब से, यानी कि जब मुझसे कष्टदायक प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं अपने जेब से उस पत्र को, उस साक्ष्य को निकालने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। दिस इज माइट बी थॉट,
ऐसा सोचा जा सकता है मस्ट बी ड्यू टू ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे लोगों के अदर पीपल दूसरे लोगों के पत्रों में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं या फिर रुचि की लैक मतलब कमी होती है। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, लेकिन इससे स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। फार मतलब क्योंकि, लेखक कहता है आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन अ फ्यू लेटर्स, मैं भूल जाता हूँ उन पत्रों को भी पोस्ट करना दैट आई माई सेल्फ रिमेम्बर टू राइट, जिसे मैं खुद लिखता हूँ, जो पत्र मैं खुद लिखता हूँ उसको भी मैं भूल जाता हूँ। आगे लिखा है एज फॉर लिविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, रेलगाड़ियों में तथा टैक्सीज में जो वस्तुओं के छोड़ने की बात है, आई एम नॉट ग्रेट डेलिंक्वेंट इन सच मैटर्स, इन मामलों में मैं बहुत बड़ा डेलिंक्वेंट मतलब अपराधी नहीं हूँ। आई कैन रिमेम्बर ऑलमोस्ट एनी थिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ सिवाय किताबों तथा टहलने वाली छड़ी के अलावा। एंड आई कैन ऑफन रिमेम्बर इवन बुक्स, और कभी कभी मैं किताबों को भी याद रख सकता हूँ। वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, टहलने वाली छड़ी का जहां तक सवाल है, करें कि आई फाइंड मैं पाता हूँ इट क्वाइट या बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव बात है टू कीप मतलब रखना, टहलने वाली छड़ी को सुरक्षित रखना, मैं पाता हूँ कि यह बिल्कुल असंभव सी बात है। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, इसके लिए मेरा पुराना टेस्ट है, मेरा पुराना अनुभव है। आई बाई देम फ्रीक्वेंटली, मैं उन्हें प्राय खरीदता हूँ। बट नो सुनर डिड आई पे ए विजिट टू ए फ्रेंड्स हाउस, लेकिन ज्यों ही मैं अपने किसी मित्र के घर घूमने जाता हूँ, विजिट करने जाता हूँ, और गो ए जर्नी इन ट्रेन, या फिर किसी ट्रेन में यात्रा करने जाता हूँ, देन अनदर स्टिक इज ऑन इट्स वे इन टू द वर्ल्ड ऑफ लॉस्ट, तो मेरी दूसरी छड़ी भी भूलने के संसार में चली जाती है, यानी कि मेरी दूसरी छड़ी भी भूल जाती है। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ, फॉर फियरिंग ऑफ लॉस्टिंग इट, इसे खोने के भय से, टू गो थ्रू लाइफ विदाउट इवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला। कहते हैं कि पूरे जीवन भर बिना किसी छाता को गुम किए हुए, हैव इवन द ग्रिमेस्ट जार्ड, ग्रिमेस्ट जार्ड मतलब अत्यंत गंभीर, अम्ब्रेला कैरियर मतलब जो व्यक्ति छाता लेकर चलने वाला हो, इवर अचीव दिस, ऐसी उपलब्धि उसको भी नहीं मिल पाती है। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत छाता लेकर चलता है, वह अभी अपनी पूरी लाइफ में एक भी छाता न गुम करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, या फिर उससे भी यह उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी। फ्यू आपस हाउएवर, हाउएवर मतलब तो भी, हम में से बहुत सारे लोग हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी, अपने बहुत सी संपत्ति को खो चुके हैं, ऑन आवर ट्रेवल्स मतलब अपनी यात्राओं में, थ्रू फॉरगेटफुलनेस विस्मरण के कारण, द ऑर्डिनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन, एक साधारण व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, विथ ऑल हिज बैग एंड ट्रंक सेफ, अपने पूरे सामान के साथ। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर सजेस्टेड, पूरे वर्ष के दौरान जो रेलगाड़ी में वस्तुओं के खोने की जो सूची थी, वह सुझाव देती है दैट इट इज द यंग रेदर देन द एडल्ट, कि वह नौजवान व्यक्ति होते हैं प्राउड व्यक्तियों की अपेक्षा, एडल्ट मतलब प्राउड व्यक्तियों की अपेक्षा वह नौजवान व्यक्ति होते हैं, हु फॉरगेट थिंग्स, जो अपनी वस्तुओं को ज्यादातर भूल जाते हैं, एंड दैट स्पोर्ट मैन हैव वर्स मेमोरीज, और उसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनकी याददाश्त बहुत ही खराब होती है, देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलो, अपने अन्य साधारण गंभीर साथियों की अपेक्षा
उनकी याददाश्त ज्यादा खराब होती है। ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंस्टेंस वर फॉरगॉटन। उदाहरण के लिए पर्याप्त मात्रा में फुटबॉल तथा क्रिकेट बैट्स खो दिए जाते हैं। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, और यह समझना आसान है फॉर बॉयज, लड़कों के लिए। रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स, जो खेल के मैदान से वापस आते हैं, हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फील्ड विथ अ विजन ऑफ प्लेइंग फील्ड। उनकी जो कल्पनाएं होती है अब भी भरी होती है विथ विजन, एक दृष्टि से आप प्लेइंग फील्ड, उनके दिमाग में अब भी प्लेइंग फील्ड मतलब की कल्पनाएं भरी होती है। एंड देयर हेड्स, और उनके मस्तिष्क आर एमॉन्ग द स्टार्स मतलब उच्च कल्पनाओं से भरे होते हैं, और देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स, या फिर वह बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं। एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स आर देयर इरर्स, या फिर वे अपनी इरर्स मतलब गलतियों को रिकॉल मतलब पुकारते हैं, देयर एक्सप्लॉइट्स मतलब अपनी उपलब्धियां, या फिर वह अपनी गलतियों को ही अपनी उपलब्धियां बताते हैं। दे आर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम, बाहरी रूप से वह संसार से पूरी तरह से अलग होते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेस थिंग्स एज टेक द बॉल आर द बैट विद देम व्हेन दे लीव द ट्रेन। जब वे लोग ट्रेन से उतरते हैं तो उनकी जो स्मृति होती है वह गेंद और बल्ले लेने जैसे कार्यों को याद रखने से उन्हें रोकती है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलैंड, और शेष बचे हुए दिन में, रेस्ट ऑफ द डे शेष बचे हुए दिन में वह काल्पनिक संसार में, ड्रीमलैंड काल्पनिक संसार के नागरिक होते हैं या काल्पनिक संसार में विचरण करते हैं। द सेम मे बी सेड, और उसी प्रकार से कहा जा सकता है, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है, ऑफ एंग्लर्स मतलब मछली पकड़ने वालों के बारे में, हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स, जो अपनी बंसी को भूल जाते हैं। एंग्लर्स आर जनरली सेड, मछुआरों के बारे में आमतौर पे कहा जाता है, आई डोंट नो विथ व्हाट जस्टिफिकेशन मतलब पूरे न्याय के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ, टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन मतलब वह सबसे ज्यादा कल्पना करते हैं। एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिकेंस लाइन्स ऑन द जर्नी टू होम आफ्टर ए डेज ऑफ फिशिंग इज बाउंड टू बी ए लिटिल अब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर। कहता कि जब वह व्यक्ति वापस अपने घर की तरफ आता है पूरे दिन मछली पकड़ने के बाद, जब वह अपने घर आता है तो उसके व्यवहार में थोड़ा बहुत भुलक्कड़पन आ सकता है। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाय हिम, और वास्तव में उसके द्वारा उस बंसी को भुला दिया जाता है, एज ही डे ड्रीम्स क्योंकि वह दीवा स्वप्न देख रहा होता है। ओवर द फिट्स ऑफ, फिट्स मतलब विजय, ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया के बंसी के बारे में। यूटोपिया एक किताब का नाम है जिसे सर टॉमस मोर लिखे हैं। लेखक कहता है कि वह सर टॉमस मोर द्वारा लिखित पुस्तक यूटोपिया के वीरता के कार्यों के बारे में काल्पनिक विचार करता है या दिवा स्वप्न देखता है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज रियली ए ट्रिब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज एंजॉयमेंट, बहुत अधिक प्रसन्नता, इंटेंसिटी ऑफ हिज एंजॉयमेंट बहुत अधिक प्रसन्नता की वजह से वह अपनी याददाश्त को खो देता है, और मैं मानता हूं कि यह एक उसका ट्रिब्यूट मतलब गुण है। इन थिंकिंग अबाउट हिज डे स्पोर्ट, क्योंकि वह अपने दिन के खेल के बारे में सोच रहा होता है, ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, वह अपनी बंसी को भूल सकता है। एज द पोएट मे फॉरगेट टू पोस्ट ए लेटर, जैसा कि कभी एक पत्र को पत्र पेटिका में डालना भूल जाता है,
बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विथ मोर ग्लोरियस मैटर, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क होता है वो भरा होता है बहुत ज्यादा ग्लोरियस मतलब शानदार बातों से। अब्सेंट माइंडनेस ऑफ दिस काइंड सीम्स टू मी ऑल बट ए वर्चू, इस प्रकार का अब्सेंट माइंडेडनेस मतलब भुलक्कड़पन मुझे एक वर्चू मतलब गुण समझ में आता है। द अब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन ए मैन, बी स्मृति वाला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, जो अपने जीवन को संवार रहा होता है एंड देयरफॉर और इसकी वजह से हैज नो टाइम टू रिमेम्बर द मीडियोकर, और उसके पास समय नहीं होता है इन साधारण मेडियोकर मतलब साधारण चीजों को याद करने के लिए। हु वुड हैव ट्रस्टेड, कौन विश्वास करेगा सुकरात और कॉलरिज मतलब सुकरात और कॉलरिज पर टू पोस्ट ए लेटर, मतलब सुकरात तथा कॉलरिज के पत्र डालने के कार्य के बारे में किसने विश्वास कर लिया होगा। दे हैव सोल्स एबव सच थिंग्स, उनकी आत्माएं इन सब चीजों से बहुत ही ऊपर थी, यानी कि वह उच्च तथा दार्शनिक विचारों के थे।